तो इंडियन बाइस ड्राइविंग 3D के अंदर आज हम लोग GTA 5 के कैरेक्टर माइकल फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर बनकर खेलने वाले हैं। लेकिन यार अपने फ्रैंकलिन को इन कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, इसे स्किप मत करना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। गाइज यार आज तो GTA 5 गेम में बहुत मजा आ गया। मैंने अपने कंप्यूटर में ना खेला रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना रियल लाइफ में GTA 5 के कैरेक्टर्स के साथ खेला जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसलिए आज हम GTA 5 के कैरेक्टर के साथ अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D खेलने वाले। अपना फर्स्ट चैलेंज ये कि सबसे पहले हमें माइकल को बचाना है जेल से, इसके बाद ही हम माइकल बनकर खेल पाएंगे। तो चलिए चलते हैं पुलिस स्टेशन, वैसे भी अपने बहुत ही करीब है। तो अपनी डिफेंडर ये देखो भाई साहब कितनी खतरनाक लग रही है। चल झूठा, इसमें बैठ कर चलते हैं एंड माइकल को बचा कर उसके साथ प्ले करते हैं। भाई इस डिफेंडर का लुक देखो यार कितना खतरनाक लग रहा है। ओके तो गाइस मैंने अपनी डिफेंडर को लेकर पुलिस में भगा भगा कर पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका हूँ। मैं ऐसा करता हूँ यू टर्न करके अपनी गाड़ी को पार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से भागना भी है तो आसानी से हम भाग सके। मैंने ऐसा करता हूँ आराम आराम से, बाहर वालों को छोड़ो क्योंकि इनको अगर मैंने मारा ना तो ये अंदर वाले भी मुझे मारने चले आएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ पहले अंदर वालों को मैंने मार दिया, अभी मैं बाहर वाले पुलिस ऑफिसर्स को मारता हूँ। ये देखना कि मुझे कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले अंदर वालों को मारा है ना। ये गेम में यार बहुत ही तकड़ा गिलिच है। यहाँ पर इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, जल्दी से अपने माइकल को बचा लेता हूँ। नहीं, पहले ऐसा करता हूँ ये जो NPC बैठे ना इनको भी मार देते हैं, इसके बाद माइकल को जाकर जेल से एस्केप करवाते हैं। ओके तो गाइस मैंने ना माइकल को एस्केप कर दिया है इस जेल से, तुम देख ही सकते हो। अभी मैं माइकल बनकर अपनी इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D में खेल रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कहीं पुलिस ना आ जाए, वैसे भी 3 स्टार की पुलिस पीछे लगी है, तो जल्दी से अपनी डिफेंडर में बैठ जाते हैं एंड निकलते हैं। अभी ना गाइस अगर हमें ड्राइवर बनना है तो इसके लिए हमें ऐसा करना है कि रेलवे स्टेशन पे जाना है, वहाँ पर ट्रेन के अंदर ड्राइवर अपना इंतजार कर रहा है, तो जल्दी से इसके पास पहुँचना है, फिर हम ड्राइवर बनकर भी खेल पाएंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। अभी तो मुझे आसपास में पुलिस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सायरन की आवाज़ आ रही है। वो देखो सामने भाई पुलिस की SUV आ गई, इसको तो मैंने कट मार दी। भाई मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत ही तेज़ हो चुकी है। वेट यार ये क्या एक्सीडेंट हो गया, हल्का फुल्का सा लेकिन इतनी गाड़ी घूम गई। गाड़ी वैसे तो यार बहुत ही ज़बरदस्त है लेकिन दम नहीं है गाड़ी में इतना डिफेंडर में। ओके तो गाइस मैं फाइनली रेलवे स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। पुलिस भी यार बहुत ही गंदे तरीके से मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन इसको तो मैंने इसके पुलिस से कर लिया। मैं एक जगह पर ना छप कर बैठ गया, फिर वहाँ पर पुलिस वाले नहीं आ सके तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ ट्रेन में बैठ जाता हूँ, इसके बाद मैं ड्राइवर बन जाऊँगा, क्योंकि ड्राइवर में अंदर बैठा है तो फिर मेरे कंट्रोल में ड्राइवर आ जाएगा। गाइस यार यहाँ पर कोई भी मैसेज तो नहीं आया कि तुम ड्राइवर बन गए हो। मैं ऐसा करता हूँ ट्रेन को थोड़ा आगे चला कर देखता हूँ, हो सकता है थोड़ा आगे हम ड्राइवर बन जाए। फिलहाल यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। वेट भाई ये देखो मैसेज आ गया कि यू आर नाउ ड्राइवर, इट मीन्स कि मैं ड्राइवर गैस बन चुका हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ अपनी ट्रेन को यहाँ पर रोकता हूँ। अभी हमें फ्रैंकलिन बनाए तो इसके लिए हमें एक और खतरनाक वाला चैलेंज कम्प्लीट करना पड़ेगा। ये ट्रेन से हम उतरेंगे फिर पता चलेगा कि कौन सा चैलेंज है। मैं जल्दी से अपनी ट्रेन को यार रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये रोकने का नाम ही नहीं ले रही, आराम आराम से ये रुक रही है क्योंकि इसकी ब्रेक शायद फेल है। नहीं ये रुक चुकी, तो मैं यहाँ पर भाई साहब उतर जाता हूँ एंड तुम देख ही सकते हो अभी मैं अपने GTA 5 के कैरेक्टर ड्राइवर के साथ अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D को प्ले कर पा रहा हूँ। यहाँ पर अपना जो चैलेंज है ना, सबसे पहले हमें 5 डायनासोर को किल करना है, इसके बाद हमें पता चलेगा कि फ्रैंकलिन की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर अभी फ्रैंकलिन है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने एक डिफेंडर को स्पॉन कर दिया, इसका मैं कलर ब्लैक कर लेता हूँ एंड इसमें बैठ कर जुरासिक पार्क निकलते हैं 5 डायनासोर को मारने। गाइस यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइवर बनकर खेलने में, तो मैं क्या वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा, अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। बाकी भी जल्दी से जुरासिक पार्क के लिए निकलते हैं, मेरे पास वेपन्स भी पड़े हैं, तुम देखना कि मैं कैसे उन डायनासोर को एक ही झटके में मार लेता हूँ। ऑलराइट गाइस तो मैं ना जुरासिक पार्क में पहुंच चुका हूँ एंड बहुत यार दूर जाने के बाद एक मुझे ये स्पाइनोसोरस मिल चुका है। तो मैं अपना RPG लॉन्चर निकालता हूँ एंड इसे ख़त्म करते हैं। ये बेटा तो एक गोली में ही निकल, फिर भाई एक गोली में ये नहीं मरा, दूसरा मिसाइल भी मैंने इसको मारा लेकिन नहीं मरा, तीसरे मिसाइल में जाकर फाइनली ये मर गया, तो ये चौथा भी मैंने इसको ऐसे ही मार दिया। अभी हमें 4 डायनासोर और भी मारने, फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा। मैं ऐसा करता हूँ अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, फिर देखते हैं कि आगे कोई मिल गया तो उसे भी ख़त्म कर देंगे।
यहाँ पर मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ये चार डायनासोर जो हम मारने वाले हैं मुझे ही ना मार ले। खैर गाइस जो हुआ देखा जाएगा, बाकी फिलहाल के लिए तो यहाँ पर कोई भी डायनासोर मुझे देख नहीं रहा। मैंने यार बहुत चक्कर लगाए हैं जुरासिक पार्क में, लेकिन एक भी डायनासोर मुझे नहीं बोल रहा। एक सामने डायनासोर मुझे दिखाई दिया है तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो अपनी गाड़ी को यहाँ इसके पीछे रोकता हूँ, ये मुझे खाना जाए तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना आरपीजी लॉन्चर निकाल कर इससे 3, 2, 1 बेटा ये डायनासोर से तो निकल। एक तो ये मेरे से मिस हो गया, दूसरा मैंने इसे मार दिया, तीसरा भी मिस हो गया, चौथा मैंने इसको मार दिया एंड पांचवे में ये गया। गाइस फाइनली 2 डायनासोर को हमने मार दिया, अभी तीसरा भी आवाज़ तो मुझे इसकी आ रही वो रहा सामने। भाई ये डायनासोर जो है ना, इसी डायनासोर थोड़े बहुत खतरनाक होते हैं तो इनको आराम आराम से मारना पड़ेगा। एंड तुमने देखा चौथा भी राइट साइड में भाग रहा था, वो देखो सामने। अभी पहले ऐसा करता हूँ, ये जो सामने जा रहा है ना इसको मारने की कोशिश करते हैं, इसके बाद वो जो राइट साइड वाले हैं ना इसको मारेंगे। यहाँ से आई थिंक मैं मार सकता हूँ। तेरे बेटा ऐसे कितने इसको यार मिस हो गया, दूसरा ये मिसाइल इसको लग गया, यहाँ पर ये पेड़ में अटक चुका है। मैं एक सेकंड, ये तो मर गया लेकिन वेट भाई ये मेरे पीछे लग चुका है, मैं यहाँ से भागता हूँ। ऐसा ना हो कि ये ना मुझे खा जाए यार, यार शिट 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 इसने मुझे यार खा लिया। चलो खैर कोई नहीं, मैं दूसरी बार यह जुरासिक पार्क में आ चुका हूँ, 3 डायनासोर तो हमने मार लिया, बाकी 2 डायनासोर मारने हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पीछे आ रहे, इसको मैं जल्दी से मार देता हूँ। ये एक गोली मैंने मार, दूसरी भी मारी है, ये तीसरे में बैठा तो निकल, ये गया, बाकी लास्ट वाला ये जो डायनासोर है ना इसको मैं जल्दी से मार देता हूँ, इसके बाद ये चैलेंज अपना कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये भी गया। तो फाइनली गाइस हमने 5 डायनासोर को मार के अपना चैलेंज कम्प्लीट कर लिया है। यहाँ पर मुझे फ्रैंकलिन की लोकेशन मिल चुकी है, ये जो लोकेशन तो हम देख रहे हो ना, यहाँ पर जाकर हम फ्रैंकलिन से मिल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। गाइस ये क्या, ये मैं कहाँ पर आ गया? वेट भाई यहाँ पर मुझे एक थार मिली है, यहाँ पर ये ना चैलेंज मुझे फुल कंप्लीट करना है, एंड में फ्रैंकलिन हम बन जाएंगे। अगर हमने चैलेंज सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया तो कोई बात नहीं, चैलेंज मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा। यहाँ पर मैंने भाई साहब उस पंखे से यार बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं ये अपनी गाड़ी को निकाल लिया, लेकिन इस पंखे में मैं फंस गया। कोई बात नहीं, आराम आराम से भी चलेंगे। वैसे दोस्तों अपनी गाड़ी तो बहुत मजबूत है, मैं आराम आराम से कंटेनर्स के ऊपर से चढ़ा कर यहाँ से मैं जल्दी से निकलता हूँ। यार नहीं 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 यार शिट, मैंने समझा कि मेरी गाड़ी निकल जाएगी। वेट भाई ये मेरी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है? इस पंखे के नीचे आ गई भाई, ये तो बहुत ही मुश्किल था। अगर थोड़ा भी आगे होती तो ये पंखा इतना तेजी से अपनी गाड़ी को लगता कि अपनी गाड़ी इस रैंप से जाकर बाहर निकलती एंड हम चैलेंज में हार जाते। लेकिन कोई नहीं, मैं जल्दी से यस निकलता, नहीं 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 ये नहीं, ये भी नहीं, अभी मैं निकलता हूँ भाई, ये मैं निकल गया फाइनली। अच्छा हुआ कि मैं आराम से निकल गया। अभी हमें एक लेफ्ट में कट लेना है, फिर देखते हैं कि यहाँ पर एक रैंप आई है, यहाँ से शायद हमें जंप करना है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से आराम से निकल लूँ, अभी फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को यहाँ से जंप लगाते हैं। तो 3, 2, 1 और भाई साहब ये मैंने जंप कर दिया, लेकिन यार इस पंखे में जाकर लग गया। कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम निकल गए, अभी फुल स्पीड में तुम देख रहे हो कि मैं किसे यहाँ से निकलता हूँ। मैं यहाँ ये जंप तो मैंने कम्प्लीट कर लिया। नहीं 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 भाई साहब ये थोड़ा पंखा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना आगे साइड में टर्न था ना, इसलिए भी आराम से अपनी गाड़ी को थोड़ा रिवर्स करके इसके बाद इस पंखे के नीचे हम निकल के सामने चलते हैं। अभी मुझे तो लग रहा है अभी भी चैलेंज बहुत ही बड़ा है। आराम से नहीं नहीं इस पंखे को छोड़ो, अभी मैं निकल जाऊँगा निकल जाऊँगा। अच्छा हुआ कि यार मैं निकल गया। मैं थोड़ा हमने राइट में कट लेना है, तो ये राइट में भी कट मैंने ले ली। अभी तुम देखना मैं फुल स्पीड में कैसे अपनी गाड़ी को भगा कर उस पंखे से निकलता हूँ। यहाँ पर यार मैं गिरना जाऊँ, नहीं 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 अच्छा हुआ कि यार इस पंखे से बच गया। अगर इस पंखे की लाठी मुझे लग जाती तो गिर जाता। अभी भी फुल स्पीड में भागते हैं, तो 3, 2, 1 और ये मैंने जंप बहुत ही गलत वाला मार दिया, नीचे कर गिर गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से इस चैलेंज की रैंप पर आ चुका हूँ। अभी आराम से इस पंखे के बीच से बाहर निकलना है। ऑल राइट गाइस, तो हमने फाइनल चैलेंज कम्प्लीट कर लिए एंड यहाँ पर लिखा रहा है कि तुम फ्रैंकलिन बन चुकी हो। एक सेकंड मैं अपनी गाड़ी से उतर के देखता हूँ। हाँ भाई ये तो मैं फ्रैंकलिन GTA 5 वाला बन गया हूँ। और भाई ये क्या, मेरा पैर फिसल गया यार, मैं तो नीचे गिर गया। कोई बात नहीं यार, हमने फ्रैंकलिन को भी कंट्रोल भी कर रहे हैं, ट्रेवर को भी कंट्रोल किया, माइकल को भी कंट्रोल किया, यार बहुत मजा आया। गाइस क्या तुम्हें पता है, मैंने इंजन में ड्राइविंग ट्रेन में हल्क बनकर भी मैंने खेला है। तो ये ऐसा करो, स्क्रीन पर जो तुम्हें वीडियो शो रहा है ना, इसमें आ जाओ जिसमें मैं हल्क बनाऊँ।